अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। माय नेम इज फरम शहजाद और आप देख रहे हैं फरम व्लॉग ऑफिशियल। फुल गर्मी मई के अंदर असलम भाई आ गए हैं मछली लेके। असलम भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? इतना गर्मी में तो मछली बेच रहा है यार, क्या करेगा? तो ये देखो कितना गर्मी है, फुल गर्मी हुआ है यहाँ पे। वो देखो कुर्बानी का जानवर भी आ गया है, कुर्बानी का जानवर भी लोग लेके आना शुरू हो गया है। क्या बात है, और तुम हमें मछली खिला रहा है। और सुनाओ कौन सा मछली लाया है? कौन सा मछली ले गया है? और दो ही मछली तुम्हारे पास, सिर्फ सुरमई रह गया है या तुम्हारे पास वो रह गया है मुला? इसके अलावा काला पापलेट, व्हाइट पापलेट कुछ नहीं मिलता तुम्हारे को? व्हाइट पापलेट 7000-8000 रुपए किलो है। अब तो गर्मी में थोड़ी, अब तो 2500 रुपए थोड़ी है। अच्छा, और काला पापलेट क्या रेट चल रहा है? 1400-1500। नहीं यार क्या बात करें, 11-1200 रुपए हमें मिल रहा है, तुम 14-1500। मैं आपको दे देता अभी, जो नहीं लेते। और अभी ये सारम का क्या रेट है? सारम 600 रुपया। और मुला 1000 रुपए किलो। अरे छोड़ो मुला, आप भी मुला मछली है। आप लोग दिखाओ कौन सा मछली, दिखाओ हमारे कौन सा मछली दे रहा है, ये तो बताओ। ये देखिए भाई, आज तो लग रहा है मछलियाँ ही मछलियाँ आज तो मछलियों की बरसात हुई है। जल्दी बताओ भाई कौन कौन सी मछली लेके आया है। निकालो। वाह, देख तो हमेशा तुम जो है ना, मछली हमेशा उल्टा पकड़ता है। ये होता है मछली, ये चीज, क्या बात है भाई। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हीरा मच्छी है ना, हीरा, लेकिन लग नहीं रहा, ये पक्का मुला है, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। हाथों हटाओ अपना, देखो फुल फ्रेश मछली है, एकदम फ्रेश है यार। देखो इसका पर जा रहा है, देखो कहाँ पर जा रहा है, उड़ जाएगा क्या, उड़ने वाला है क्या? ये जिंदा है, जिंदा मछली है। नहीं माशाल्लाह मछली सही है। कितने किलो का धाना है? 3 किलो का। 800 रुपये लगाएगा ना? नहीं तो 1000। नहीं 1000 ज़्यादा है, चल 1500 लगेगा। पौने पौने का क्या चक्कर होता है, बस 900 रुपये का रेट है। हाँ, नहीं है, बाबा मिलता है, सब मिलता है। चलो बनाओ शाबाश। ये देखें भाई, मुला बेचने के लिए आया है, और एकदम फुल फ्रेश फिश है ये। वाइट मीट है इसका, हड्डी इसके अंदर होता है, लेकिन ये है कि इसका पीस थोड़ा मोटा बनता है, और हम लोग इसके बनाने वाले हैं पीस फ्राई वाले। असलम भाई से मुला दिखा दिया, सारम भी तो दिखाओ तुम हमारे को। सारम कौन सा मछली तुम्हारे को पड़ा हुआ यार? ये सारा सारम है जी। वाह, हो वाह भाई वाह, क्या बात है असलम भाई, ये चीज क्या बात है। कितने किलो का दाना यार ये? ये वो है, निशानी लगा के लाया है। ये वो 4 किलो? 3 किलो। 3 किलो का है या तीन? ये बड़ा दाना है 3 किलो का, वो 3 किलो का छोटा है? ना वो मुला है ना। अच्छा, गोल में गोल होता है ना ये तो। सही सही सही, क्या बात है। और ये 600 रुपये किलो है, यानी लड़ मड़ के 500 रुपये किलो तुम दे देगा। आपके लिए होएगा, बस किसी के लिए, बाकी के लिए होगा। चलो ठीक है, रखो। ये बनाओ भाई इसका, हमारा गोश्त बनाओ इसका। नहीं नहीं, अभी शाम में जब आएगा ना, शाम में ये बनवाएगा, ये अभी हम बनवा के अभी हम खा जाएंगे। तीन दाने ने, तीनों बनाए। हाँ तीनों बनाओ, सही है ना? वो दावत तो नहीं करेगा भाई, सबका दावत है, मार्केट का दावत ही होता है। घर वालों का दावत भी है, मार्केट वालों का भी दावत है। पहले ये मुला बनाओ। मुझे लग रहा है असलम भाई कि मार्केट जो है ना, 2-4 दिन के अंदर नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब आ रहा है कुर्बानी का टाइम ना। ये एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल रेट हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा जो है ना गोश्त की तरह भागेगा। क्या ख्याल है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा। हमारा ग्राहक जो है ना, अच्छा कितना दिन हो गया, 10-12 दिन हो गया हमारे। गर्मी है ना, गर्मी है, वरना मछली खाने का मसला थोड़ी था कोई। गर्मी बहुत है, बर्फ लगाते हैं लोग, शिकायत ना। तुमने हमारा एक दफा गलत मछली दी है, 5000 का मछली हमारा जाया गया है, लेकिन फिर भी तुम रेट कम नहीं करता हमारे को। मेरे को कितना परेशान था तुम, परेशान था ना आप, जिसका नुकसान है उसको उससे पूछो ना। वो तो मेरे को पता था ना। हाँ, ये जो है ना चांदी तुम्हारा है और गोश्त हमारा है। सही है, सही सही बनाओ, बिल्कुल फ्राई करेगा, फ्राई करके खाएगा पीस इसका, ठीक है ना? हाँ ठीक, फ्राई भी करो, बिरयानी भी बनाओ। अच्छा बिरयानी बनता है इसका, ये गोश्त टूटता नहीं है बिरयानी में? नहीं। अच्छा, होता है। वेरी गुड, गोश्त कड़क होता है ना। हाँ मुला ही कड़क होता है। ये क्या बात है, अदर साइड उतारो, सारा छिलका उतारो, बहुत मोटा छिलका है इसका यार। ये क्या बात है असलम भाई मछली बनाने का तुम बहुत माहिर हो गया, 25-30 साल का तजुर्बा तुम्हारे को।
पीस कोशिश करना है पतला पतला बने, वैसे बनता तो नहीं इसका क्योंकि बड़ा मोटा बनता है, हड्डी मोटा है इसका। नहीं पीस हम आप इस दफा अपना मर्जी से बनाएंगे, अपनी मर्जी से बनाया। चलो अपनी अपनी मर्जी से भाई, अपनी मर्जी से असलम भाई, अपनी मर्जी से बना रहा है, बनाओ बनाओ बनाओ। ये देखिए भाई क्या बात है असलम भाई, ऐसा कलेजी भी दिखाना हमारे को, क्योंकि इसमें कलेजी लाजमी होगा। ये चीज क्या बात है, क्या बात है भाई, वेरी गुड मुल्ला फिश। अब इसमें हमने ये देखना है कि इसके अंदर से कितना गंद निकलता है, सब कितना निकलता है इसमें से, कम निकलता है ज़्यादा है, कचरा कम है, कचरा कम है इसके अंदर भाई, कचरा कम होता है। वाइट मीट है आप देख सकते हैं एकदम, वाह क्या बात है। असलम मैम कुछ नहीं बोलेगा, तुम कैसा पीस बना रहे हो, क्यों तुमने अपनी अपनी मर्जी से बना रहे हो, कुछ नहीं बोलेगा आज हम, कुछ नहीं बोलेगा। ये देखो भाई जितना हम अपने तरीके से बनाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही देख रहा हूँ आज अपने तरीके से आप बनाओ। इसमें अंडा भी नहीं, सही देखो चर्बी है, वाह सिर्फ चर्बी निकला है इसके अंदर है। असलम भाई ये क्या है, कलेजी, कौन सा वाला कलेजी है, तो मुझे तो वाइट वाइट लग रहा है सारा। नहीं नहीं वाइट जो है वो चर्बी है। कलेजी कौन सा है, ये कलेजी, ये कलेजी है ये, वाह। असलम भाई कलेजी हमारे को देगा, हाँ इसको कलेजी का होना है फिर जन्नत में है ना, तुम जाएगा पहले मच्छी का जो ना, जन्नत के अंदर सबसे पहला जो दाखिल होगा जन्नती उसको सबसे पहले क्या खिलाया जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, मछली का कलेजी खिलाया जाएगा, सब जन्नती को सबसे पहला जो खाना खिलाया जाएगा ना वो मछली का कलेजी होगा। ये देख ले भाई ये है मछली का कलेजी, जो भी जन्नत में जाएगा सब जन्नतियों को सबसे पहला खाना जो खिलाया जाएगा वो है मछली का कलेजी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुसलमान सब जन्नत, इंशाल्लाह 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 सब मुसलमानों को जो है ना यही कलेजी खिलाया जाएगा, सबसे पहले मछली का कलेजी। वाह आज असलम भाई अपनी मर्जी से पीस बनाने वाले हैं, और ये असलम भाई ने स्टार्ट कर दी फिश बनाना, मुल्ला फिश। क्या बात है असलम भाई, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ये चीज परफेक्ट, ये चीज़ क्या बात है, क्या बात है। असलम भाई देख सकते हैं आप भाई, एकदम वाइट मीट है, पिंक भी नहीं है, वो भी नहीं है, वाइट मीट परफेक्टली, क्या बात है। ले लो आप भी ले लो भाई मुल्ला फिश, रेट मुनासिब है इसका, सारम फिश भी इसका अच्छा है, 600 रुपये किलो है मछली, अच्छा ताज़ा एकदम फ्रेश। ये देखिए वाइट मीट है, छुरी कैसे, छुरा तुमने सही तेज किया हुआ आज ना, वरना छुरा तुम्हारा तेज होता नहीं नॉर्मली। ये चीज़ वाह, आज तुमने अपने हिसाब से बनाया लेकिन आपने जो है ना पीस मोटा बना दिया है। अच्छा हाँ पीस, मैं आज तुम कुछ नहीं बोलो ना, मैं इस वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं आपको, आज आज तेरे मेहरबानी होएगा, आज हमने कुछ नहीं बोला आपको और ये तकरीबन जो है सारा फिश हमारा हो गया रेडी, असलम है मछली तो रेडी हो गया। अभी क्या कर रहे, अभी पका रहे, अगर आप खाएगा ना? बस ठीक है, यही पकाते हैं, यही मसाला मसाला लगाते हैं, यही फ्राई करके खाते हैं, ठीक है, हाँ यही करते हैं, ठीक है। मैं पैसे भी पूरा देगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, पैसा हम पूरा देगा, घबराओ नहीं तुम, ऐसे नहीं मेरा, एक पीस तुम्हारे को खिलाएगा, एक पीस हम खाएगा, बाकी हम घर ले जाएगा, सही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। स्टे ट्यून्ड, टिल देन अल्लाह हाफिज़।